कमाई जिससे मृत्यु भी ना चाहिए।
और नसीब नसीब की बात है कोई नफरत करके भी प्यार कर पाता है, कोई नफरत करके भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रहता है। कोई नसीब नसीब की बात है कोई नफरत करके भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं और कहते हैं कि मूर्खों को कभी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना। उपदेश तो प्रभु पाया ना तो शांति उपदेश है मूर्खा नाम। हाँ उपदेश ही जो उपदेश देते हैं मूर्खों को तो और उत्तेजित किया उनको समझाने ज्ञान नहीं देना समान करवा। ठीक है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना सब कोई स्पर्श नहीं कर सकता, सब कोई स्पर्श नहीं कर सकता पर सब हृदय के भीतर तक छू जाते हैं। सब जो होते हैं हृदय के भीतर तक छू जाते हैं, पूरे हृदय तक वो क्या होते हैं छू जाते हैं। अतः हमेशा सही शब्दों का ही चयन करना चाहिए और पुनः से हम कहते हैं विपत्ति में ठहरे वैभव में गया। जब आपके आपके ऊपर विपत्ति पड़े तो ठहर रखना, जब पैसे आ जाए तो आप लोगों को दया के भाव से मदद करना और संकट में ये भी है तो सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण। यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो इन तीन बातों को अवश्य ध्यान रखेंगे, विपत्ति में धैर्य वैभव में दया संकट में सहनशीलता, इन तीन बातों को जीवन में लाने का प्रयास करें। ठीक है, और एक आज का कड़वा सच कुछ इस प्रकार है कि हम उन्हीं को रुलाते हैं, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारे प्रवाह करते हैं, हम उनके लिए रुलते हैं जो हमारे प्रवाह नहीं करते और हम उनकी प्रवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोते। इसलिए सदैव अपने माता पिता गुरु विश्वास करें कि बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, वो हम लाते हैं तो भाई आपको शायद पता नहीं कि वो आप प्रवाह करते हैं और आप नहीं हो जाते। ठीक है, और बाकी जो प्यार संबंधी ये आपके प्रवाह नहीं कर रहे फिर भी हम उनकी प्रवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोए। ठीक है, इसलिए अपने अपने आप को काम लेना है। ठीक है, कभी किसी चीज से डरना नहीं है क्योंकि कहा भी गया है डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और दूर से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और दूर से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, इसलिए हिम्मत से काम लें और कभी भी किसी को करवा शब्द ना कहें, वो शब्द ना बोले, प्रेम प्यार से रहें क्योंकि कहा जाता है कि इस गर्मी में शब्दों का तापमान भी होता है, गर्मी में शब्दों का भी तापमान होता है, ये सकून भी देता है और जला भी देता है। ये गर्मी में ज़्यादा गर्म होता भी उसको गर्म से गर्म बात भी ना क्योंकि ये गर्मी से वाणी की मधुरता और मधुरता सत्यम प्रयास प्रेम प्रयास नाचा प्रयास सत्यम चाहिए। और आगे का जो हमारा सुविचार है कुछ है खोखला करते रहे लगातार खोखला करते रहे लगातार बीमा उसे इसे लकड़ी को खोखला करते लगातार
नगरी जो है उसी भ्रम में रही कि बहुत लगाव समझी ठीक इसी प्रकार से आज के युवा लड़के और लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो हमें प्यार करता है या प्यार करती है बना नहीं है वो दीमक की तरह आ रहे हैं बहुत बड़ा करवा सके इसलिए सभी जीवन में ज्यादा लगाव किसी और से नहीं अपने आप से कीजिए लगाओ और अपने आप पर ध्यान दिया सेहत का ध्यान रखें अपने माता पिता के पास अपनी बातों को रखें क्योंकि बहुत लोग ऐसी अवस्था में क्या करते हैं वो भविष्य देखने लग जाते हैं अपनी की बातें करने लगते हैं तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है क्या कहा है कि अतीत में मत रहो भविष्य के सपने मत देखो और मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो मन को अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा है गतिशो को न कर सकते हो भविष्य नहीं बचते वर्तमान ही न काले ना ही बनते और क्योंकि इस संसार में क्या है ना हृदय की पीड़ा ईश्वर को मालूम है आपके हृदय में जो भी कष्ट है वो भगवान को ही पता है लोगों के लिए तो वैसे भी आप सब मजाक है और मजाक लोग करते ही हैं और पुनः एक बार मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्यार ये हमारे साथ ऐसा ही होता है बहुत लोग हमारे से नफरत करते हैं बहुत सारे लोग हमारे से प्यार करते हैं ठीक है और ना किसी की बराबरी करनी है ना किसी से आगे आना है बस तो अपने सपनों को हकीकत में लाना है दिन प्रतिदिन आप सबों को मैं इस प्रकार के अच्छे नॉलेज होता रहता हूँ आप सबों को मेरे ये नॉलेज अच्छे लग रहे हैं और इसी तरह से आप जानते हैं कि मैं आप सबों के लिए नॉलेज लाता रहूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे और लोगों ने कहा हमें कि हमेशा सोच समझते हैं दूसरों पर भरोसा करें ठीक है दूसरों पर भरोसा करें ये गौतम बुद्ध भी बोला करते थे सोच समझ कर हमेशा सोच समझ कर दूसरों पर भरोसा करें अरे दूसरों पर भरोसा करना है ना असली तो अपने वसुधैव कुटुंबकम वसुधा वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है तो फिर मैं सभी पर भरोसा करता हूँ और भरोसा की बात जहाँ तक आ गई समय पर देता है इसलिए पुनः एक बार आप सभी को गुरुवार के दिन आपको शक्ति अध्यात्मिक प्रवृत्ति मिले और माँ सुनंदा आप सब पर कृपा बनाए रखें इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ फिर सुनता हूँ आज किसी और वीडियो के साथ तब तक आप स्वस्थ रहें सुन रहे हैं उन्हीं कामनाओं के साथ जय संस्कृत।